हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ दो नंबर दिए हुए हैं और ये हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले ये जानिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर क्या होता है, ये आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो मतलब जिसके कोई भी फैक्टर अदर देन वन नहीं होते हैं, अदर देन वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ होते हैं, मतलब कि नॉन प्राइम नंबर्स आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मतलब कि अगर वन और खुद को छोड़कर कोई भी एक अदर फैक्टर हो गया तो वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो हमें एक फैक्टर ही ढूंढना है बस इन दोनों नंबर में। अगर कोई फैक्टर मिल जाता है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर दिए हुए हैं देखिए, पहले हम उसे देख लेते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, आप देखिए 13 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, हाँ क्या हो जाएगा, 13 × 7 × 11 + 13 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ वन रिमाइंडर आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, 13 से ये डिविजिबल हो जाएगा। 13 हमारा एक फैक्टर हो गया जो गिवन एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए, तो ये पहला नंबर तो हमारा कंपोजिट नंबर हो गया क्योंकि 13 हमारे पास एक फैक्टर मिल गया। ठीक है, दूसरा नंबर अब देखते हैं हम, देखें 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहां में 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 जब कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 × 6 × 5। 5 कॉमन ले लिया तो 5 नहीं रहेगा, तो × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 कॉमन लिए तो फैक्टर हमारा हो गया 1। ठीक है, तो इस यहां भी देखिए आपका एक फैक्टर में 5 मिल गया इस नंबर का। ठीक है, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका फैक्टर मिल गया 5, मींस फैक्टर अदर देन नंबर इटसेल्फ और 1। ठीक है, तो ये भी कंपोजिट नंबर हमारा हो गया। और ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी, बट वो भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बस एक फैक्टर चाहिए था। ठीक है, अब देखिए, एज बोथ एक्सप्रेशंस हैज फैक्टर्स अदर देन वन, एंड इटसेल्फ, Hence, given numbers are composite numbers. ठीक है, Hence, given numbers or expressions are composite numbers. ठीक है, composite numbers. यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।